लेट्स कंटिन्यू विथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. अब हमको करना है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स. मतलब हमने कल बात की थी सर्कल है, स्क्वायर है और ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है या ट्रेपेजियम है, उनमें सर्कल्स फिट कर दिए जाएं तो उनके कॉम्बिनेशंस के एरियाज कैलकुलेट करना है. जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था, हाँ अभी तक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये. इसमें आपको क्या बोला है कि स्क्वायर फील्ड है, ये एक स्क्वायर फील्ड है और इसके दोनों साइड हमने दो सेमी सर्कुलर, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन, ए बी सी डी ऑफ साइड 56 मीटर. हमको इसकी साइड क्या दे रखी है, 56 मीटर. स्क्वायर की साइड है 56 मीटर. इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, दोनों स्क्वायर लॉन की डायगोनल्स जहाँ हम इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट को सेंटर लेके हमने ये सेमी ये सर्कुलर रीजन्स बनाए हैं. हाँ, ये सेंटर लेके हमने ऐसे सर्कुलर रीजन इधर बनाया है, एक इधर बनाया. तो आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स. लॉन का प्लस फ्लावर बेड का, इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है. और कई बार इसमें ये जो आपको ओनली ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इनका एरिया भी सिर्फ पूछा जाता है, सिर्फ इसका एरिया. अब चक्कर क्या है, रेडियस तो दी नहीं, सर्कल का जो पार्ट दिया है कि भाई ये सर्कल का पार्ट है तो इसकी रेडियस तो हमें दी नहीं है, पर हमें क्या पता है कि ये तो स्क्वायर की डायगोनल्स हैं. तो आपको याद होना चाहिए कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना. ये प्रॉपर्टी याद है 9th से क्वाड्रिलेटरल्स की, तो बस बेटा वही यूज़ होगी कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. एट राइट एंगल, या राइट एंगल को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 90 डिग्री. इससे क्या हुआ, इससे आपको यदि आप ध्यान से देखें तो दिस अपीयर्स टू बी अ सेक्टर. और हमको यदि सिर्फ इसका एरिया निकालना है, मतलब हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हमें यहाँ पर रेडियस भी मिल जाएगी और हमको ये एंगल क्या मिल गया कि दिस एंगल इज़ 90, ये एंगल भी क्या हो गया 90. मतलब ये क्या हो गया, एंगल 90 के कारण क्वाड्रेंट. तो आपको ये पता चल गया कि भैया ये तो क्वाड्रेंट है, तो हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और उसमें से इस ट्राइंगल को माइनस कर दें तो इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. और ये वाला सेगमेंट इसका आइडेंटिकल है तो डबल कर देंगे तो इन दोनों सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. और यदि हमको पूरे का एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया निकालना तो हमें आता ही है कि 56 का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, दैट इज 56 into 56, यही करना है. क्लियर. तो अब हम क्या करें, अब हमें ये चाहिए डायगोनल की लेंथ. तो आपको याद होगा अभी अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी किया था, ये 56 है, ये 56 है, तो ये क्या होगा और ये एंगल 90 है. पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल्स में भी किया है हमने, हाँ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है 56 56, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 56√2. आपका डायरेक्टली भी स्क्वायर की डायगोनल का फॉर्मूला होता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 times side. तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 56√2. तो हमारी डायगोनल स्क्वायर की 56√2 आई, तो रेडियस का हो क्या होगी, डायगोनल का हाफ, 56√2/2, दैट इज 28√2. तो हमारी डायगोनल की रेडियस की वैल्यू क्या हो गई, 28√2 cm. कंसेप्ट क्लियर, ये डायगोनल 28√2 cm हो गई. तो हमने सिंपली क्या किया है कि ये जो है हमारा ये स्क्वायर है तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये डायगोनल, ये 90 डिग्री स्क्वायर है तो एंगल 90 है. पाइथागोरस लगाएंगे तो भी 56² + 56² मतलब 2 times 56² देन यू नीड टू टेक स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 56√2. ये इस पूरे BD की वैल्यू आई है, BD = AC = 56√2. तो आपको क्या पता है कि AO, BO, CO, DO सब इक्वल है हाफ के, तो AO, BO, CO, DO सब क्या है,
हाफ ऑफ AC लिखो या हाफ ऑफ BD लिखो, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 28√2। तो दिस इज़ द रेडियस इस सर्कल की, जो हमने ये सेक्टर बनाया इसकी रेडियस क्या हो गई, 28√2 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें एंगल भी पता है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। रीजन हमने पहले लिख दिया था, थीटा आपका 90 है। तो देखो, यदि हमें पूरा एरिया निकालना है, दो तरह से मैं इसको करवा देती हूँ आपको। एक तरीका तो क्या है कि यदि हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है ना, एक तरीका ये है कि हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब ओनली सेगमेंट, और ये आइडेंटिकल है, तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल करके डबल कर दें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट आपका है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। जैसे इधर की बात करूँ तो ट्राइंगल AOB, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो इस सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर क्या है, एक्चुअली क्वाड्रेंट है, तो 90/360 मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों किसके इक्वल है, रेडियस के, तो हाफ आर इंटू आर, दैट इज़ हाफ आर स्क्वायर हो गया। अभी आप देखो, ये 90/360 कैंसिल होके 1/4 हो गया है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, यू कैन टेक हाफ आर स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, π/2 - 1। हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो π/2 - 1 बचा, तो हाफ आर आपका क्या है, 28√2 × 28√2 पाई इज 22/7 = 14 -1। हाँ, कैलकुलेशन कई तरह से कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छी लगे। ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेगा, ये 2 कैंसिल, 28 × 28 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 7 × 2 क्या हुआ, 14। तो ब्रैकेट में आ गया 22 - 14 / 14। 14 से एक 2 कैंसिल, 28 × 28 = 56 मल्टीप्लाइड बाय 22 - 14, 14 × 8 = 22, 8 आ गया। तो 8 × 7 = 56, 64 × 7 कर दें, इसको ही मल्टीप्लाई कर दें, कोई बात नहीं, 448 cm². 448 cm² किसका एरिया आया, एक सेगमेंट का। सेगमेंट कितने हैं आपके, 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो 48 × 2 = 96, 2 × 4 = 8, 896 cm² इज़ द एरिया ऑफ सेगमेंट्स। यदि हमको सिर्फ सेगमेंट्स का एरिया निकालना होता इसका और इसका, तो आंसर आया 896 cm². और यदि हमसे पूरे का एरिया पूछा, तो देखो बचा कौन सा, ये दो ट्राइंगल बचे, हाँ नहीं सॉरी ये नहीं बचे, हमने सेक्टर में से माइनस कर दिया है, तो हमने सिर्फ सेगमेंट का एरिया निकाला है। अच्छा, अब यदि हमसे पूरा निकालने का बोला होता कि फाइंड द एरिया ऑफ फुल, तो हम क्या करते, तब हम ये नहीं करते, तब देखो मैं क्या करती, यदि मुझे पूरे ही शेप का एरिया निकालना है, जैसे यहाँ पर बोला है कि इस पूरे शेप का एरिया निकालो, तो हमने इसको सिंपली दो सेक्टर्स और दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, हम इस सेक्टर के एरिया में इस सेक्टर का एरिया प्लस कर दें, मतलब ट्वाइस कर दें, और इस ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दें, मतलब डबल कर दें, तो भी हमारा पूरा शेप कवर हो जाता है ना, क्योंकि ये आपके शेप एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, ये वाला शेप और ये वाला शेप एक जैसे हैं, और ये बचा हुआ जो शेप है, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दे आर आइडेंटिकल। तो मैं यदि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया और इन दोनों सेक्टर्स का एरिया ऐड कर दूँ, तो मुझे पूरे शेप का एरिया निकल जाएगा, मुझे सेगमेंट निकालना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उस केस में लिख देंगे एरिया ऑफ लॉन, क्वेश्चन में क्या दिया था, जो भी लैंग्वेज दी थी, एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स इक्वल टू 2 times एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, BOC लिख दो, AOD लिख दो, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर
ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। पर अभी तो बेटा एम सी क्यूज में आना है तो उस हिसाब से हम कर लें उसको, बिना बात जब लंबा लिखने से कोई एडवांटेज नहीं है, समझ तो आई गया आपको। तो टू टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एंगल अभी भी क्या है 90, तो 90 बाय 360 मतलब 1/4 डायरेक्ट ले सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 1/4 पाई दैट इज 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस क्या है 28√2 इंटू 28√2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज अगेन हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 28√2 और हाइट भी क्या है 28√2। ये हो गया, अभी आप देखो क्या हो रहा है, ये आपका 7 × 4 = 28 कैंसल, √2 × √2 इज 2, हाँ बाहर एक 2 है, ये 22 × 2 हो गया 44 × 28 प्लस इस 2 से ये दोनों कैंसल प्लस 28 × 28 ये लिख दिया हमने। अब कैलकुलेशन आप कर लें, चाहे तो आप 28 कॉमन ले लें, तो 28 बाहर लेंगे एक 2 है, 28 × 2 = 56 अंदर क्या बचा 44 + 28, तो 44 + 28 72 × 56 ये आ गया, तो 72 × 56 कर लें 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। पूरे शेप पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है तो दिस इज़ ईजिएस्ट वे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला और फिर स्क्वायर का एरिया उसमें प्लस कर दिया तब भी आ जाएगा। तो आप खुद प्रैक्टिस करके देखो कि व्हाट यू फाइंड ईजियर। मेरे हिसाब से तो दो सेक्टर्स के एरिया में, मतलब एक सेक्टर का एरिया प्लस एक ट्राइंगल का एरिया और उसका डबल कर दो, दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सिर्फ ये शेडेड पोर्शन पूछा है, ये वाला पोर्शन पूछा है या पूरा एरिया पूछा है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। हाँ यही है आपका कॉम्बिनेशन, देखो स्क्वायर के अंदर बहुत चार सर्कल बना दिए एंड व्हाट यू कैन सी दैट द सर्कल्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं एग्जैक्टली। तो इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर किसके इक्वल हुआ, स्क्वायर की साइड के। सिमिलरली इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ये सब बातें लिखी नहीं होंगी, कहीं बोला नहीं होगा, पर ये डायग्राम देख करके आपको समझ जाना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर की साइड दे दी है 14 सेंटीमीटर, तो ए इज़ 14 सेंटीमीटर। एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन मतलब इस स्क्वायर में से ये सर्कुलर पोर्शन हटा दो जो ब्लू ब्लू पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। पर सर्कल के लिए क्या चाहिए, रेडियस, रेडियस तो दी नहीं है, बट आपको अभी जो मैंने बात बताई थी ए किसके इक्वल है 2 टाइम्स डायमीटर, इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर इक्वल टू ए, दैट इज 2 टाइम्स डायमीटर। तो 14 इक्वल टू 2 × डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे 2r, तो 4 से जाएगा तो ये 2 से कैंसिल हुआ 7, तो 7/2 या 3.5 रेडियस आपकी क्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। हाँ तो रेडियस आपकी हो गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो जब ज़्यादा नंबर में आता था हम ढंग से लिखते थे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। ये 4 टाइम्स सर्कल के एरिया को माइनस करके हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर 4 एज इट इज। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाए आर स्क्वायर। ये हमने सिंपली पहले शेप को डिफाइन किया फिर फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किया। नो वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज कि ए आपका क्या है 14 और आर क्या है 7/2, तो 14 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पाई 22/7 रेडियस इज 7/2 × 7/2। कैलकुलेशन करें और चेक करें आंसर क्या आया, 7 से 7 कैंसल,
टू टू ज़ा फोर से फोर कैंसल, 14 का स्क्वायर 196 है एंड 22 सेवन ज़ा 154. 196 में से 154 माइनस हुआ, 6 माइनस 4 इज 2, 9 माइनस 5 इज 4, 1 माइनस 4 0. तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कंसेप्ट याद रखना बेटा, ये सब बार बार हमको अभी आगे एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी. जितने भी सर्कल इस तरह से टच कर रहे हैं, इधर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर इक्वल टू साइड. यदि तीन होते तो हम तीन के डायमीटर से इक्वेट कर देते स्क्वायर की साइड को. ठीक है, तो ये आपका एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कवर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6. दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल एंड इट ऑल्सो कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसको हम देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये आपको ऐसे चार फ्लावर की लीफ टाइप नज़र आ रही है, इसका एरिया निकालना है. बनाई कैसे है? ए बी सी डी आपका स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर एंड पॉइंट टू बी नोटेड पाई हैज़ टू बी टेकन एज 3.14 इंस्टेड ऑफ 22/7. तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमने ये वाली साइड को डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने इसको डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने ये वाली साइड को डायमीटर लेके अगेन एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर इसको भी डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया एंड यू कैन सी आपकी डिज़ाइन बन गई ये वाली. ये जो डिज़ाइन है ये किससे बनी? चार सेमी सर्कल्स बनाने से. पर हम इसका एरिया डायरेक्टली कैसे निकालें? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. डायरेक्टली ये डिज़ाइन का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है. हमारे लिए ज़्यादा आसान क्या निकालना है कि हम ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो वाइट वाइट पोर्शन है, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें. हम इसका एरिया, इनका एरिया कैलकुलेट कर लें और पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाइट पोर्शन हटा दें तो बचेगा क्या? शेडेड पोर्शन, है ना. यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो ये हमारी जो फ्लावर जैसी डिज़ाइन है, जो लीफ बनी है चार, इनका एरिया आ जाएगा. तो अब हमको क्या करना है इसमें कि सिंपली इनको इन्होंने जैसे एनसीईआरटी में दे हैव नेम्ड इट एज 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, अब आप ध्यान से थोड़ा सा देखें तो वॉट यू कैन ऑब्जर्व कि ये वाला सेमी सर्कल प्लस ये वाला सेमी सर्कल और इस स्क्वायर में से यदि हम इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये हट गया, ये हट गया, बचा कौन सा? सेकेंड और फोर्थ का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ 2 एंड 4 आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, और दोनों सेमी सर्कल आइडेंटिकल है क्योंकि स्क्वायर की साइड को लेके बनाया है, तो एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसकी डायमीटर क्या है? डी सी. और माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी. पर आपको क्या पता है, ये तो इक्वल है और डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या हो गई? 5. तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है? साइड स्क्वायर. माइनस ये हो गया 2 टाइम्स, हाफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर. 2 कैंसल, ए इज 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है और रेडियस आपकी क्या हो गई? 5 का स्क्वायर. तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3.14 इंटू 25, तो 3.14 इंटू 25 डेसिमल हटा के अपन ने अपन में 100 किया, 25 फोर ज़ा 100, 4 से कैंसिल किया, 4 से 1 ज़ा 28, 3 34, 4 8 ज़ा 32, बचेगा 2, 4 5 ज़ा 20. 100 माइनस 78.5 विच इज 21.5. ये आपका क्या आ गया? एक 2 और 4 का एरिया, इन दोनों का एरिया ये आ गया. अभी आपको पता है कि एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 2, 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 3
प्लस फोर, टू प्लस फोर, वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट टू प्लस फोर। इनका एरिया आपस में इक्वल है, इनका एरिया का सम और इनके एरिया का सम आपस में इक्वल है। तो हमको अब क्या करना है, अब हमने इनको प्लस कर दे, तो ये 21.5 है, ये भी 21.5 आएगा। दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स 21.5 मतलब 42, 21 टू ज़ा 42, सॉरी 0.5, 21.5 था ना, तो 2 टाइम्स 21.5 43 हो जाएगा, 43 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर इसका एरिया निकालना, निकालना तो इसका है, तो हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से फिर से इसको माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, वी विल अगेन मेंशन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 का एरिया माइनस कर दें उसमें से, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का एरिया अगेन 10 का स्क्वायर दैट इज 100, और उसमें से 43 को माइनस करेंगे 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका बताती हूँ, एक और तरीका मैं आपको इसका सिखा देती हूँ कि यदि हम यहाँ से ऐसे लाइन और ऐसे लाइन बना दें, इन पॉइंट से हम मतलब इनके सेंटर से, ये आपका सेंटर होगा ना, तो इसको हमने इसे ज्वाइन कर दिया। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप यदि इस एक शेप पे नज़र डालें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये तो स्क्वायर्स बन गए चार, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके यू अगेन गॉट अ स्क्वायर, तो 10 था तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये एंगल 90 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी आपके 5 5 आ जाएंगे। तो बेटा ये दिस लुक्स टू बी, यदि हम यहाँ से देखें तो ये एक क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट इधर से है, एक क्वाड्रेंट इधर से है, हाँ, दो क्वाड्रेंट के बीच का एरिया हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, और उसका हम क्या कर लेंगे 4 टाइम्स, क्लियर है। पर जब हमने इधर से क्वाड्रेंट को देखा, हमने इधर से क्वाड्रेंट को देखा तो हमने ये सारा एरिया इंक्लूड कर लिया, फिर जब हमने इधर से क्वाड्रेंट को देखा तो भी हमने ये वाला सारा एरिया इंक्लूड कर लिया, तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये वाला एरिया आपने एक्चुअली 2 बार काउंट कर लिया है ना, इधर से भी ले लिया और उधर से भी ले लिया। तो हम क्या करें, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से यदि हम इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, वाइट वाला जो हमें नहीं चाहिए, तो हमारा सिंपली इसका एरिया बचेगा। सेम कंसेप्ट पे आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको सिर्फ यही पोर्शन दिया है और ऐसा ही एरिया निकालने का बोला है। तो हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये करके भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ, अब इस शेडेड पोर्शन को हम 1 देंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट शेडेड पोर्शन यही होगा, और ये सारे आइडेंटिकल हैं तो 4 टाइम्स कर देंगे इसका 4 टाइम्स, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, हाफ हो गया, पाई की वैल्यू आपको 3.14 गिवन है, आर आपका 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो यहाँ पर आप देखो कि ये 2 से कैंसिल हुआ, 1.57 इंटू 25 कितना हो गया, 39.25 माइनस 10 का स्क्वायर इज 100, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिया और उसमें से हमने स्क्वायर का एरिया हटा दिया, एक सेकेंड, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
मैंने क्वाड्रेंट का एरिया लिया तो ये पूरा आ गया, इस क्वाड्रेंट का एरिया लिया तो ये पूरा आ गया। तो स्क्वायर के एरिया में से यदि मैं इन दोनों को हटा दूँ, टू टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, तो क्या बचेगा? इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस किया तो एक बार ये पूरा हट गया, और हमने इसको इधर से भी ले लिया था, हमने इसको इधर से भी ले लिया था, तो ये आपका माइनस में आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? टू टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट टू इंटू वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर। हाँ, मैंने क्या गलती की, अभी ए क्या है, ए टेन नहीं है मेरा, ये इतना सा ही है, तो ए क्या आएगा? फाइव। मैंने सोचा नेगेटिव में क्यों आ रहा है, दिस इज़ फाइव, ये टेन नहीं है, फाइव का स्क्वायर दैट इज़ 25। तो 39.25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0.25, 9 माइनस 5 इज़ 4 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1, 14.25 आ गया। अब ये इसके कितने पार्ट्स हैं? ऐसे फोर पार्ट्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय फोर, तो क्या हो गया, 25 4 ज़ा 100, 14 4 ज़ा 57। तो आपका आंसर क्या आ गया? 57, 14 4 ज़ा 56 और 1, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। क्लियर? अच्छा, इसको करने का एक और तरीका। अब तीसरे तरीके में हम क्या करेंगे, करेंगे तो वही कि हमने इसको इस तरह से एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं इसमें काम करूँ सेगमेंट का एरिया निकालने का, तो आई कैन ड्रॉ अ लाइन ओवर हीयर। मैंने इसकी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, मैंने इसको सपोज पी क्यू ओ बोल दिया, तो यू फोकस ऑन दिस पोर्शन ओनली। तो इसमें आप देखो कि यदि मैं इस सेक्ट यहाँ से देख रहे हैं, यदि हम एंगल 90, तो इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल माइनस कर दूँ तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, और इधर से भी यही हो रहा है, इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर दें ये सेगमेंट मिल जाएगा, तो आई विल गेट द एरिया ऑफ लीफ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, टू टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमें किसका मिलेगा, एक लीफ का। पर ऐसी कितनी है, हाँ आपकी फोर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर फोर टाइम्स। ये हम दो बार कर रहे हैं कि टू टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये फोर टू ज़ा बाहर आपका एट आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर इज़ 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब देखो क्या हो गया, ये फोर से एट को कैंसिल किया, टू पाई इज 3.14, आर आपकी क्या है, आर आपकी है रेडियस, आपकी क्या हो गई, रेडियस आपकी हो गई, ओके अभी आपकी रेडियस भी चेंज हो गई, एक्चुअली रेडियस आपकी फाइव नहीं होगी, ये आपने जब ये लिया है, हाँ रेडियस फाइव ही होगी, ये फाइव, ये फाइव, हाँ रेडियस तो फाइव ही है, फाइव का स्क्वायर 25 माइनस, इसको कैंसिल किया फोर, बेस और हाइट दोनों क्या है, फाइव फाइव, फाइव इंटू फाइव, तो ये क्या हो गया, 25 2 ज़ा 50 50, तो 31.4 इंटू फाइव, वन फिफ्टी सेवन माइनस हंड्रेड, तब भी आंसर क्या आया, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको इन तीन तरह से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। एनसीईआरटी में इन्होंने 1 2 3 4 वाला दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बोला एक सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर है और यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल बनाए, और आपको ये पोर्शन शेडेड और ये भी शेडेड है, इसके नीचे का जो पोर्शन है ना छोटा सा वो भी शेडेड है बेटा, उसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर इफ पी क्यू 24 है। व्हाट इज़ पी क्यू, दिस इज़ पी क्यू, इसकी वैल्यू क्या दी है, 24, और पी आर 7 है, दिस इज़ 7, और हमसे बोला है ओ सेंटर है, ओ सेंटर है मतलब क्यू आर क्या हो गया, डायमीटर, तो डायमीटर हो गया, तो थोड़ा नाइन्थ का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, तो अभी तो हमको लिखना नहीं है, तो आप सिंपली देखो ये डायमीटर है और इसने ये ट्राइंगल बनाया, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल है, तो ये एंगल क्या होगा, कॉर्ड ने ये एंगल 90 बनाएगा, 180 का हाफ सेंटर पे डबल होता है, फिर हम 10.8 उसी से निकला था, तो आपका क्या हो गया, एंगल पी इक्वल टू 90, रीज़न क्या हुआ, एंगल इन सेमी सर्कल।
आदत है एक्चुअली स्टेटमेंट्स लिखने की, तो 1 मार्क के हिसाब से एकदम से करवाते नहीं बनता है कि पता नहीं अभी ये है। अब हमारा क्या हुआ कि ये 7 है, ये 24 रेडियस नहीं दिए, पर एंगल 90 होते ही पाइथागोरस थ्योरम एक्शन में आ गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी आर क्यू, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या आ जाएगी, 25 स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो गई, 25/2, 12.5 की बजाय 25/2 ले लो। डायमीटर क्या आ गया, ये 7 है, ये 24 है, दिस विल बी 25, तो रेडियस क्या हो गई, 25/2। अब हमें क्या करना है, हमें सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये लिख देंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, पाई यहाँ पर दिया है क्या, नहीं दिया, रेडियस आपकी नहीं दिया है, रेडियस आपकी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, हाफ पाई 22/7, रेडियस है 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ, बेस है 7, हाइट इज 24, तो माइनस हाफ इंटू 7 इंटू 24, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 12/7 = 84। और यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल हुआ, 25 का स्क्वायर 625 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7, 2 2 = 4, 4 7 = 28 माइनस 12/7 = 84। अब इसका आंसर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, 625 को 11 से तो क्या आएगा, 625 5 7 8 6, मतलब 6875 माइनस एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा, 28 इंटू 84, तो 84 इंटू 28 का टेबल तो मुझे भी याद नहीं है, बचपन में था, -2352। डिफरेंस निकाल दें दोनों का तो क्या आएगा, 5 - 2 = 3, 7 - 5 = 2, 8 - 3 = 5, 6 - 2 = 4, 4 - 5 = 2, 3 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एनसीईआरटी में इसी पैटर्न में आंसर दिया, हाँ डेसिमल में नहीं दिया तो हम डेसिमल में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकाल लेना चाहिए जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है जिसमें डाउट है, जैसे एमसीक्यू में तो पता चल ही जाएगा ऑप्शंस क्या गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर इन फिगर 12.20 इफ रेडाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर लेके आपने एक सर्कल ये बना दिया और वही सेंटर लेके आपने दूसरा सर्कल ये बना दिया और हमसे इस पोर्शन का एरिया पूछा है, दिस इज़ द शेडेड पोर्शन। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको एंगल गिवन है कि ये एंगल 40 डिग्री है तो थीटा आपका हो गया 40 डिग्री, और आपको बोला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की रेडियस है 7 and 14, तो बेटा जो छोटा है उसकी रेडियस 7 होगी, जो बड़ी होगी वो 14 होगी, तो छोटी वाली रेडियस को हमने बोल दिया स्मॉल आर, बड़ी वाली को हमने बोल दिया कैपिटल आर। तो अब आपको क्या करना है, इस सेक्टर में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो ये शेडेड पोर्शन बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी। AOC में से BOD का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई, इसकी रेडियस है कैपिटल R, वहाँ भी थीटा अपॉन 360, थीटा सेम है
पाई से में रेडियस अलग अलग है। तो अब देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक दिस थीटा बाय 360 पाई, दोनों के पास है, इसको कॉमन ले लो। तो ये क्या बन गया, थीटा अपॉन 360 पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी आपको पता है आर स्क्वायर को हम आर माइनस आर आर प्लस आर लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू क्या है 40, तो ये हो गया 40 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आउटर रेडियस है 14, इनर है 7, तो 14 माइनस 7 इंटू 14 प्लस 7, ये हम कर देंगे 14 एंड 7, तो आपका 40 बाई 360 कैंसिल होके 4 9 सा 9 आ गया, तो बचेगा 22 अपॉन 9 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 7 इज 7 एंड 14 प्लस 7 इज 21, तो 7 से ये कैंसिल, 3 3 सा 9, 3 7 सा 27, 22 7 सा 154 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 22 7 सा बहुत जगह काम आएगा, उसकी वैल्यू 154 होती है, तो आंसर आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में करना चाहो तो 3 5 सा 15, 3 1 सा 3 बचेगा 1, मतलब फिर 3 बार 51.3 बार सेंटीमीटर स्क्वायर, एनसीईआरटी में फ्रैक्शन में ही गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर दिस, इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14, ए बी सी डी स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स, ए पी डी और बी पी सी क्या है सेमी सर्कल्स, तो बेटा आपको क्या याद रहना चाहिए, अभी हमने ये जो किया था कि ये हमने सेमी सर्कल्स इस तरह से दो और हमने ये वाला एरिया निकाला था, वैसे ही तो पूछा है वहाँ पर, तो ए पी डी एंड बी पी सी, तो हमें क्या करना है स्क्वायर के एरिया में से 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या हो गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल आइडेंटिकल है, हाँ ये दोनों का डायमीटर सेम है, इसका डायमीटर भी 14 है, इसका डायमीटर भी 14 है, तो दोनों की रेडियस क्या हो गई 7, और सेमी सर्कल में एंगल का तो कोई चक्कर ही नहीं, 180 होता है, दैट इज़ फाई फॉर्मूला इज़ हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हम सिंपली डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज़ हाफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ही बन गया, व्हाट इज़ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया है, तो क्या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे एरिया ऑफ सर्कल, यदि डिटेल आंसर लिखना हो तो हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ डायग्राम में हमको ऐसा सर्कल नहीं दिया हुआ है कि ये सेमी सर्कल, ये स्क्वायर और एक सर्कल नहीं दिया है, आपको दो सेमी सर्कल दिए हैं, तो शेप को करेक्टली डिफाइन करना इज़ मैंडेटरी, होगा इफेक्टिवली एक्चुअली कैलकुलेशन करने पे वो सर्कल का एरिया ही बन जाएगा, पर आपको उसको 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखना चाहिए। अभी एग्जाम में यदि 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तब आप उसको डायरेक्टली एक सर्कल का माइनस कर दो चलेगा, पर यदि लिखने के डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं तो यदि आपने यहाँ पर इस 2 टाइम्स सेमी सर्कल के बजाय सर्कल लिख करके कर दिया, आंसर करेक्ट आएगा बट मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेथड आप टेक्निकली इनकरेक्ट हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं दिया, इस तरह से आपको दो सेमी सर्कल्स गिवन है। ऐसे बेटा कई बार स्क्वायर में यदि हमने इधर 4 क्वाड्रेंट बना दिए, तो 4 क्वाड्रेंट मिलकर के एक सर्कल ही बन गया, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो सर्कल का ही हो जाता है, पर यहाँ सर्कल नहीं दिया है, 4 क्वाड्रेंट दिए हैं, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया ही लिखेंगे, इफेक्टिवली दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 सर्कल, बट यू नीड टू राइट लाइक दिस, यदि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क का है तो आप अपने हिसाब से समझ के हिसाब से कर सकते हो। ए क्या है 14 स्क्वायर माइनस पाइस 22 अपॉन 7, रेडियस है आपकी 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 14 का स्क्वायर होता है 196, 22 7 से अगेन काम आ गया 154, और ये कैलकुलेशन भी बहुत जगह काम आएगी, इसका आंसर क्या आ गया 42, तो इसका आंसर आ गया 42, यूनिट लिखना मत भूलना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर 12.21, वेयर इज 12.21, अच्छा वो हो गया हमारा, फोर्थ पे आ गए हम, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22, वेयर अ सर्कुलर आर्क
ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये एक आर्क है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये एक ट्राइंगल के आसपास जा रही है। हैज़ बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ ऑफ द ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये एंगल कितना हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल देने का पर्पज़ क्या है? आपको सेंटर का एंगल पता चल जाए कि ये एंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब एंगल 60 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया बेटा? 300। 360 माइनस 60 रिफ्लेक्स एंगल 300। तो हमारा जो आर्क है इसने ये जो मेजर सेक्टर बनाया है इसका एंगल क्या हो गया? 300। ठीक, साइड 12, इसकी साइड है 12, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 12, रेडियस आपको गिवन है 6 और वहाँ पर थीटा कितना हो गया? 300 डिग्री। अब हमें क्या करना है? हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए क्या करेंगे? हम सिंपली इस ट्राइंगल के एरिया में यदि इस मेजर सेक्टर का एरिया ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा ना पूरा का पूरा ब्लू पोर्शन। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आप इस पे कुछ पहुंचाए तो नाम दे सकते हैं, अदरवाइज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिख दिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a². एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस केस में यदि आप ये कर रहे हो फॉर्मूला तो थीटा आपका क्या है? 60 डिग्री। दिस इज द थीटा। तो 360 माइनस थीटा इज एक्चुअली 300। तो √3/4 ए क्या है? 12 × 12 प्लस इसको थीटा की जगह 60 रखोगे तो ये 300/360 हो गया। पाए आपकी यहाँ पर 3.14 दिया है क्या? नहीं, तो आपको 22/7 ही लेना पड़ेगा। तो × 22/7 इंटू रेडियस है 6 × 6। अब देखो 0 से 0 कैंसल, फिर 6 × 36 है 36 कैंसल, 22 × 3 = 660/7 इधर ये बचा, और ये 4 × 3 = 12 12 × 3 = 36 √3 प्लस 660/7 करेक्ट है ना। तो 660/7 × 36√3 NCERT में इसी तरह का आंसर दिया है, तो आप ऐसा आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं। यदि आपको रूट थ्री की वैल्यू दी होती तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती, फिर आपको पूरा डेसिमल में भी निकालना पड़ता। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, बहुत सारा आपको दिमाग में कंसेप्ट्स आ गए हैं, आगे के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, आपको कई क्वेश्चंस आ भी जाएंगे। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम हो डोंट वरी, हम कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में इनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।